आपका अपना चैनल इंडिया A1 न्यूज़, जो रखे आपको A1। धन पर कहा था, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के निधन से एक युग का अंत हो गया। उनका निधन संपूर्ण राष्ट्र के लिए अपूर्णीय क्षति है। मेरे लिए अटल जी का जाना पिता तुल्य संरक्षक का साया उठने जैसा है। अटल जी का ओजस्वी, तेजस्वी तथा यशस्वी व्यक्तित्व सदा हम देशवासियों का मार्ग प्रशस्त करता रहेगा। श्रद्धेय अटल जी प्रचंड राष्ट्रभक्ति और अभूतपूर्व साहस का साक्षात रूप थे। वरदायिनी, हंसवाहिनी माँ शारदा के वरद पुत्र, संवेदनशील कवि, विचारवान लेखक, जागरूक पत्रकार, कुशल, ओजस्वी और प्रभावी वक्ता श्रद्धेय अटल जी। शब्दों का चयन और उनका सधा हुआ तथा प्रभावी प्रयोग, उपमाओं, मुहावरों, सूक्तियों के नग, किसी भी दृश्य का शब्द चित्र प्रस्तुत करने का कौशल, हास्य के बीच उनकी विशिष्ट व्यंग शैली बहुत अद्भुत थी। श्रद्धेय अटल जी हिंदी भारती के उपासक थे। संयुक्त राष्ट्र संघ में 3 बार हिंदी में उनके भाषण उनकी इस उपासना के ज्वलंत उदाहरण हैं। भावपूर्ण कविताओं, विचार प्रधान गद्य ग्रंथों तथा दैनिक साप्ताहिक पत्रों के संपादन द्वारा वीणा वादिनी के चरणों में उन्होंने अनेक सुगंधित पुष्प भेंट किए। माननीय उपराष्ट्रपति जी का आगमन हो चुका है, श्री जगदीप धनखड़ जी। श्रद्धेय अटल जी सच्चे समर्पित समाज सेवक थे, भारत माता के सच्चे पुजारी थे। 1942 की अगस्त क्रांति में जेल गए, वे कभी झुके नहीं, न दैन्यम न पलायनम, यह उनका आदर्श वाक्य है। क्या खोया क्या पाया जग में, मिलते और बिछुड़ते मग में, मुझे किसी से नहीं शिकायत, यद्यपि चला गया पग पग में। हर तरह की कविताएं लिखा करते थे, ऐसे विराट पुरुष को हमारा बारंबार नमन। आज अतीत की कितनी ही स्मृतियों की बरसात में भीगा हुआ ये माहौल है। भारत माता भी उस दिन शोक मग्न थी जब उसका लाडला खो गया था, उसका पुजारी सो गया था। शांति अशांत थी कि उसका रक्षक चला गया, जन जन की आंखों का तारा टूट गया। वे शांति के पुजारी थे किंतु क्रांति के अग्रदूत थे। वे अहिंसा के उपासक थे किंतु स्वाधीनता और सम्मान की रक्षा के लिए हर हथियार से लड़ने के हिमायती थे। माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का आगमन हो चुका है। माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय उपराष्ट्रपति महोदय श्री जगदीप धनखड़ जी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिरला जी, माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, और अब माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगी श्रद्धेय अटल जी को। राष्ट्रपुरुष भारत रत्न परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी अनंत यात्रा पर प्रस्थान कर गए हैं, और बची हैं तो उनकी मधुर यादें, उनके तेजस्वी वचन, उनका ओजस्वी वक्तव्य, उनकी कविताएं, उनके संवाद। हाँ, उनकी देह हमारे बीच नहीं, लेकिन उनके स्मरण तथा सम्मान में उनकी यादें कम नहीं हैं। माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा श्रद्धानत श्रद्धा सुमन अर्पित किया। उन्होंने श्रद्धेय अटल जी को, और अब माननीय उपराष्ट्रपति महोदय श्री जगदीप धनखड़ जी पुष्पांजलि श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए श्रद्धेय अटल जी को। श्रद्धेय अटल जी के विचार, उनकी वाणी आज भी हमारा मार्ग प्रशस्त करती हैं।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं श्रद्धेय अटल जी के समाधि स्थल पर, सदैव अटल पर श्रद्धानत उस महान विभूति के प्रति आज कृतज्ञ राष्ट्र उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। राष्ट्रशिल्पी माननीय प्रधानमंत्री जी श्रद्धेय अटल जी के सपनों का भारत बना रहे हैं। और अब लोकसभा स्पीकर माननीय श्री ओम बिरला जी भावांजलि पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं श्रद्धेय अटल जी को। माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, श्रद्धांजलि कार्यांजलि। माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी पुष्पांजलि भावांजलि अर्पित करते हुए। माननीय श्री नितिन गडकरी जी और अब एनडीए के सदस्यगण से, माननीय सदस्यगण से निवेदन है कि कृपया भावांजलि पुष्पांजलि अर्पित करें श्रद्धेय अटल जी को। हरिवंश राय जी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और उसके बाद माननीय श्री थंबीदुरई जी, श्रद्धेय अटल जी के परिवार के सदस्यगण, रिस्पेक्टेड नमिता जी शीश नवाते हुए और रंजन भट्टाचार्य जी, अटल जी को संगीतमय श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे जानी मानी गायिका विद्या शाह जी। आप हिंदुस्तानी तथा कर्नाटक संगीत में पारंगत हैं। आपने राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित कार्यक्रमों में अपनी कला का प्रदर्शन किया है। तो आइए सुनते हैं स्वरांजलि श्रद्धेय अटल जी को। कलाकार हैं विद्या शाह जी।
और अब अंतिम भजन स्वरांजलि प्रस्तुत करेंगे विद्या शाह जी। विद्या शाह जी अभी संगीतमय श्रद्धांजलि अर्पित कर रही थी श्रद्धेय अटल जी को, और इसी के साथ ही ये प्रार्थना सभा संपन्न होती है। सामने की दीर्घा के गणमान्यों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि कृपया अभी भी अपने ही स्थान पर रहें। माननीय राष्ट्रपति महोदया, माननीय उपराष्ट्रपति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रस्थान करने के बाद ही वे पुष्पांजलि अर्पित करें।
अटल जी जैसा व्यक्तित्व, वैसी बुद्धिमत्ता, वैसी मेधा, वैसा आकर्षण, वैसा प्रभाव। उनकी सांसों में देशभक्ति धड़कती थी और संवादों में भारत। माननीय प्रधानमंत्री जी उनके सपनों का भारत बना रहे हैं। वे कहा करते थे, एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है, एक नया भारत कि जिसमें एक नया विश्वास हो, जिसकी आंखों में चमक हो, एक नया उल्लास हो, एक नया संगीत देखो, आज तो कण कण में है, एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है। माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी प्रस्थान कर रही हैं। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय श्री जगदीप धनखड़ जी भी प्रस्थान कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी प्रस्थान कर रहे हैं। आप सभी से निवेदन है, एक एक करके आप आगे आएं और पुष्पांजलि अर्पित करें श्रद्धेय अटल जी को। अंतिम शोक संदेश में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, मेरे अटल जी मेरे अंदर गूंज रहे हैं, मैं कैसे मान लूं कि वे अब नहीं रहे। उनके पुण्य स्मरण का हर क्षण विशेषांक एक अविस्मरणीय घटना होकर भी अपनी अनंतता में अपूर्व रहेगी। ओ प्रीति रीति के सौंद शिखर, ओ शांति समर के क्रांति दूत, ओ राष्ट्र धर्म की संस्कृति की निष्ठाओं के प्रणबल अकूत, थे अटल कहो फिर किस कारण तुम हमें छोड़कर चले गए। क्यों कर आशा विश्वास भरे अंतस झिंझोड़ कर चले गए। अवरुद्ध कंठ के विदा गीत लोहित लमाम स्वीकार करो, हर विहल मानस के अंतिम वंदन प्रणाम स्वीकार करो, वंदन प्रणाम स्वीकार करो। उनकी मौलिकता के संबंध में एक आलेख में कहा गया था कि उनका कहीं पर होना एहसास है, उनका कहीं पर दिखना विश्वास है, उनका कहीं पर चलना निस्वार्थ है, उनका कहीं पर बोलना साहित्य है, उनका कहीं पर होना रहना परिवार है। वे स्वयं में एक संदेश थे, यथा नाम तथा गुण। वे कहा करते थे, उचियारे में अंधकार में, कलकचार में बीच धार में, घोर घृणा में पूत प्यार में, क्षणिक जीत में दीर्घ हार में, जीवन के शत शत आकर्षण अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। माननीय राष्ट्रपति महोदया, माननीय उपराष्ट्रपति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी अब प्रस्थान कर रहे हैं। श्रद्धेय अटल जी का व्यक्तित्व हिमालय जैसा उन्नत, सागर जैसा गंभीर और गगन जैसा पुनीत था। उन्होंने जीवन और सृजन के मंत्र को सिद्ध किया है। वे सिद्ध साधक एवं तपस्वी थे। सफलता उनकी चरणदासी तथा साहस उनका सहचर था। वे मानव के सच्चे सेवक एवं पुजारी थे। दूरदर्शिता उनकी निजी संपत्ति थी। उन्होंने एक नए युग का निर्माण किया था। वे न केवल युग पुरुष थे बल्कि युग प्रवर्तक भी थे। वे बहती नदी जैसे थे जो कभी भी गतिहीन नहीं होती। उन्होंने जीवन में आधुनिकीकरण के साथ भारतीय जीवन शैली का अद्भुत ढंग से समावेश किया। माननीय प्रधानमंत्री जी, श्रद्धेय अटल जी।